उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट को लेकर उपजा आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि एक सांसद होने के नाते उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसे वैमनस्य फैलाने वाले कामों से खुद भी दूर रहें, दूसरों को भी रोकें। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। दरअसल उदयपुर सांसद द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर ये सभी लोग खफा हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है, सांसद मन्नालाल रावत ने दिवंगत सांसद सीताराम येचुरी पर अनलगर आरोप लगाए, उनका अपमान किया और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने जनता का आपसी प्रेम और भाईचारे को तोड़ने और वैमनस्य को फैलाने का काम किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और माकपा नेता राजेश सिंघवी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ पुलिस में दी गई शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि अन्य किसी शख्स द्वारा इस तरह की पोस्ट डाली गई होती तो उसे अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता। सिंघवी ने सांसद रावत के साथ ही अन्य आरोपियों जैसा व्यवहार करते हुए उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने और कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 12 सितंबर 2024 को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी का देहांत हो गया था। उस बारे में पूरे देश ने, पूरी दुनिया में शोक की लहर थी। हमारे देश के सभी पार्टियों के नेताओं ने और जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते उन सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन हमारे यहाँ उदयपुर के जो सांसद हैं मन्नालाल जी रावत, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट शेयर करी, उसमें उन्होंने ये लिखा कि सीताराम येचुरी हिंदू विरोधी थे, वो ईसाई धर्म अपना चुके थे और शादी के बाद वो इस्लाम धर्म उन्होंने परिवार सहित ग्रहण कर लिया, ये विषैले होते। इस तरह की जो भाषा मुझे कहते हो भी शर्म आती है कि वो इंसान हमारा सांसद है उदयपुर का, जिस पर हमारे उदयपुर के विकास की जिम्मेदारी है। यहाँ की आप जब से देखिए, वो उनको 100 दिन हो गए इस सरकार को बने हुए, मन्नालाल रावत लगातार उदयपुर में हिंदू गैर हिंदू, आदिवासी गैर आदिवासी, इस तरह की नफरत की भाषा बोल के हमारे आपस का जो अमन चैन भाईचारा उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोगों ने मैंने पार्टी की ओर से सूरजपुर थाने में FIR दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट दी। कल मुझे सूचना मिली कि उसको परिवाद में दर्ज किया है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर मन्नालाल रावत की जगह और कोई भी इंसान होता तो उस मामले में FIR दर्ज करके उसको अभी तक जेल भेज चुके होते कि इन्होंने समाज में शांति और विद्वेष मतलब भड़काने की कोशिश की, इन्होंने अशांति भड़काने की कोशिश की। लेकिन इस तरह से जो सांसद होने के नाते ज़्यादा जिम्मेदारी है और आप उनको बेशर्मी देखिए उनकी, तो वो अखबार में ये प्रेस नोट देते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि वो तो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है जो उन्होंने बात शेयर की है, पब्लिक डोमेन। अरे भाई, आप क्यों मूर्ख बनाते हो उनकी, आप साइड पे पब्लिक डोमेन होता भाई, उनकी साइड पे जाके आप कोई फैक्ट्स लेते हैं। बीजेपी का जो IT सेल है नफरत फैलाने वाला, वो पब्लिक डोमेन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग आज विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पे उपस्थित हुए हैं और SP महोदय को भी ये ज्ञापन देकर ये मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, इनको दूसरे जो अपराधियों के साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार इनके साथ किया जाए, और साथ ही साथ ये भी हम लोग लिख के देंगे आने वाले वक्त में कि इनकी संसद सदस्यता खत्म की जाए, जो जनप्रतिनिधि कानून है हमारे देश का, और इनकी जो चुनाव जो लड़ा है उसकी योग्यता भी आगे भविष्य में खत्म की जाए। इसलिए हम लोग आ जाए।